इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है बाइंडर, देन फिक्सर एंड कलर। अभी जो बाइंडर है ये एक पेस्ट होती है जो कि वाइट कलर की होती है। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो हमारा जो कलर है वो बहुत पतला हो जाएगा और प्रिंटिंग में हमें अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। तो ये इसकी पेस्ट जैसे आपकी ब्रेड पे जो आप मेयोनेज लगाते हो जैसी थिकनेस उसमें होती है वैसी ही थिकनेस इसमें होनी चाहिए। देन ये है फिक्सर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये इसमें भी आता है, लूज भी मिल जाएगा आपको, ये बॉटल भी मिल जाएगी। देन पिगमेंट कलर, पिगमेंट कलर बेसिकली यूज़ होते हैं प्रिंटिंग के लिए, आपको इस तरह से बॉटल्स भी मिल जाएंगी और लूज़ भी मिल जाएगा। अगर आप प्रिंटिंग की शॉप पे जाते हो तो ये आपको लूज़ भी देते हैं। तो अभी हमें कितनी मिक्सिंग करनी है मैं आपको वो बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास 3 चम्मच बाइंडर है बॉक्स में, ये मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखो ज़्यादा पतला नहीं है, एकदम ठीक है। तो ये 3 चम्मच बाइंडर है, इसमें सबसे पहले आप डालोगे कलर। अभी कलर आपको कितना डालना वो आप ध्यान से देखो, जो कलर आप चाहते हो कि आपकी फैब्रिक पे दिखे आप उससे 2 गुना ज़्यादा कलर डालोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रिंटिंग करते हो, प्रिंटिंग करने के बाद जो कलर है वो थोड़ा लाइट चढ़ता है, दिखने में डार्क लगेगा बट जब वो सूख जाएगा तब आपको वो कलर लाइट लगेगा। तो इसलिए कलर पहले ही थोड़ा ज़्यादा डालो, जो आपको शेड चाहिए उससे ज़्यादा। अब मैंने इतना कलर डाला, अभी क्योंकि बाइंडर वाइट कलर का है तो मिक्स करने के बाद ये आपको लाइट शेड देगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, बाइंडर प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। ये मेरा रेड कलर बन गया। अभी इसमें हम डालेंगे फिक्सर, ये मेरा 3 चम्मच बाइंडर था जिसमें मैंने कलर मिक्स करा है, आप अच्छे से इसको मिक्स करोगे। देन हम ऐड करेंगे फिक्सर। फिक्सर क्या काम करता है, सपोज आपने प्रिंटिंग करी, यहाँ पे प्रिंटिंग करी हुई है, बट अगर इस प्रिंटिंग को आप बिना फिक्सर के यूज़ करोगे, बिना फिक्सर के प्रिंट कर दोगे तो धोने के बाद क्या होगा, ये सारा कलर आपका निकल जाएगा। बट अगर आप फिक्सर डालते हो तो ये कलर आपका निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम फिक्सर डालते हैं ताकि कलर जो है वो फिक्स हो जाए कपड़े में। 3 चम्मच के बीच में हम फिक्सर डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, ठीक है। वैसे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, बट अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा डालते हो तो ये आपकी आंखों में लगेगा, ये जलन करता है क्योंकि ये एक केमिकल है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे, अच्छे से बीटअप करोगे, करने के बाद यहाँ मेरे पास स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज आप गीली करने के बाद इसको निचोड़ के इस तरह से पेपर के ऊपर रखोगे। निचोड़ के यहाँ पॉलीथीन के ऊपर रखा है। अभी पॉलीथीन के ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि ये स्पॉन्ज है, जब हम कलर अप्लाई करेंगे तो कलर आपका नीचे तक जा सकता है, तो इसलिए आपका सरफेस ख़राब ना हो तो हमने पॉलीथीन को रखा है। अभी यहाँ पे आपने कलर को कैसे स्प्रेड करना है वो ध्यान से देखो। कलर मिक्स करने के बाद आप स्पून से इस तरह से कलर स्प्रेड करोगे, जितना बड़ा आपका ब्लॉक है आप उतने सरफेस पे कलर को स्प्रेड कर लोगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो कि आपका जो कल जो मैंने कलर स्प्रेड करा है ऊपर कहीं सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा, सारा मैंने स्पॉन्ज के बीच में डाल दिया। तो आप ब्लॉक को डैब करने के बाद, सपोज दिस इज ये फिंगर, मैं ब्लॉक की तरह आपको बताती हूँ, इस तरह से आप ब्लॉक को डैब करोगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आप कैसे प्रिंटिंग करते हो। इस तरह से ब्लॉक को डैब करके फिर उस ब्लॉक को आप प्रिंट लोगे इस तरह से। एक बार
प्रिंट करने के बाद आप दोबारा ब्लॉक पे डैब करोगे ब्लॉक को, देन अगेन प्रिंट। इस तरह से आपका प्रिंट जो है वो अच्छा रहेगा। थैंक यू।